नानेबी घेना है सन्म्मा प्रेमनाथ जी नाइक साहब माजी अध्यक्ष जिल्हा शिक्षक पतपेटी संघ व कैलास पाटील न्यू प्रगति मित्र मंडळाचे चिटणीस यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी नाणेफेक होणार आहे। सर्व खेळाडूंचे व क्रीडा रसिकांचं हार्दिक स्वागत आहे। ओवर टू सिद्दिक भावे सर। धन्यवाद। आइए दोस्तों, प्रेसिडेंट रोटरी प्रेसिडेंट कप 2019 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला आप देखने जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट आतिश पाटिल एंड ऑल द बेस्ट अख्तर शेख। सन्माननीय प्रेमनाथ नाइक जी के शुभ हाथों से और कैलाश पाटिल, प्रेमनाथ नाइक जी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कल के कॉम्प्लीमेंट के लिए जो मेरे लिए आपने दिए। ये देखिए सिक्का अब सिर्फ 3 बार दिखाया जाएगा। आज केसी करेश क्रिएशन इन्होंने खिलाड़ियों के ड्रेस से खिलाड़ियों को भी चमकाया है और कप को भी, और एक तरफ रोटरी प्रेसिडेंट कप। टॉस को जीता इस वक्त दिनेश कुकसे ने। आइए गिफ्ट एम्पायर हम आपको दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों मान्यवर से निवेदन है आपको मंच पे बैठना है। अख्तर शेख, 10वां इवेंट है और 10वें इवेंट में आपकी टीम लगातार सेमीफाइनल में पहुंची है। ये भी 26 साल के टेनिस क्रिकेट का इतिहास है भिवंडी के। तो एज अ कैप्टन कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। टीम बहुत मेहनत कर रही है इसके लिए, वो सेमी खेल रहे हैं। अख्तर शेख ये बताइए, आपने सुबह के सत्र का टॉस जीता है क्या करना चाहिए? फील्डिंग करना चाहेंगे। रीजन यही है ना कि आपकी बल्लेबाजी अच्छे फॉर्म में है, गेंदबाजी अच्छे फॉर्म में है और मराठा पंजाब ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। यही रीजन है कि उनको कम से कम रोकना चाहते हैं। और बात बराबर है, लेकिन सुबह का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा नमी रहता है और इसके लिए फील्डिंग करने जा रहे हैं, इससे गेंदबाजों को सहायता मिलेगी। ये बताइए कि कल की जो प्ले 11 थी, अख्तर शेख ने उसमें कोई चेंजेस किए? नहीं, वो पूरी टीम है। पूरी टीम है तो क्या लगता है कि मराठा पंजाब को एक टारगेट होगा माइंड में अंडर 50 अंडर 60 में रिस्ट्रिकेट करने का? मराठा पंजाब नो डाउट अच्छी टीम है, वो अच्छा खेल रहे हैं, उन लोग इसके सेमीफाइनल में है, हम उनको कम से कम रोकने की कोशिश करेंगे। ये बताइए आउट तो सबको आप करना चाहेंगे, लेकिन जल्दी टारगेट पे कौन रहेंगे, जिनको पवेलियन भेजना चाहेंगे अख्तर से? नहीं, टारगेट पे कोई नहीं है, जैसे सिचुएशन थे वैसे हम लोग करेंगे अपना। तो उम्मीद करें कि धनेश अपने स्टाइल से खेल के 9वें कप के फाइनल में पहुंचने जा रही है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आतिश पाटिल, सुबह का सत्र, सबसे पहले ये बताइए कि आखिरी दिन टीम पहुंची है सेमीफाइनल में, एज अ कैप्टन आप कैसा फील कर रहे हैं? पूरे टीम से सेटिस्फाई है, हम लोग अच्छा खेल रही है टीम और यहाँ तक पहुंचे लास्ट दिन में। ये बताया आतिश पाटिल के एज अ कैप्टन अभी तक रोटरी प्रेसिडेंट कप में जो आपकी टीम ने क्रिकेट खेला है वो एज अ कैप्टन आप कितने सेटिस्फाई? 100% है, अच्छे खेले, अच्छी हर एक मैच अच्छे खेले और ये भी मैच वही उसी तरह से खेले, सब प्लेयर से उम्मीद करता हूँ। और करेश मात्रे के शो से आप कितने सेटिस्फाई? 100%। और करेश का जो इतना बड़ा शो है भिवंडी में, इस साल का पहला बड़ा शो रहेगा। देखिए मदन बुआ कप के फाइनल में आप यहाँ थे बालाजी के सामने और उस फाइनल को जीता था, उसके बाद दोबारा फाइनल की तरफ टीम देखने जा रही है। सही। ये बताइए कि कल का जो प्ले 11 था उसमें कोई चेंजेस है आतिश? नहीं, वही टीम है। और आतिश ये बताइए कि धनेश कुकसे को कल FCC ने भी चुनौतियाँ पेश की, उनके सामने भी बहुत चैलेंज है, आतिश पाटिल क्या टोटल रखना चाहेंगे जहाँ पे धनेश कुकसे को आपके गेंदबाज स्ट्रेस करे? 60 तक जाना चाहेंगे हम। ये बताइए कि बड़े मैच के खिलाड़ी नंदन पाटिल, आप, बाबा, दानिश काजी और जीतू गवली से किस तरह की अपेक्षा रखते हैं कि 60 के ऊपर जाने के लिए किस तरह इनिशियल ओवर में रन बनाए? अपना नेचुरल गेम खेले हर एक प्लेयर और अच्छे से अच्छे रन बनाए। तो
100% प्रीपेड माइंड के साथ आप उतरें, yes. और दर्शकों को एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने मिलेगा, जरूर जरूर. ऑल द बेस्ट. द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज दिनेश कुकसे वन द टॉस एंड दे डिसाइडेड टू द बोल फर्स्ट इज बैक टू द कमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद भावे सर. या ठिकाणी आगमन झालेले मराठा पंजाबचे कर्ताधर्ता सन्माननीय योगेशजी भोईर साहेब, आपण व्यासपीठावर येऊन बसायचं आहे. आपला हार्दिक स्वागत आहे. सुस्वागतम सुस्वागतम. सन्माननीय योगेशजी भोईर साहेब, खेळपट्टीवर खेळायचं नाही, नाणेफेकी झालेले सर्व प्रेक्षकांनी मैदानातून बाहेर व्हायचंय. पहिला उपांत्य फेरीचा सामना आपण पाहताय, मराठा पंजाब वर्सेस गणेश इलेवन कुकसे. मी विनंती करतोय सर्व प्रेक्षकांना, आपण आपल्या जागेवर गॅलरीमध्ये जाऊन बसायचंय. आज या स्पर्धेतला शेवटचा दिवस आहे. अतिशय सुंदर अशी यशस्वीरित्या ही स्पर्धा आतापर्यंत पार पडलेली आपल्या सहकार्याने. या ठिकाणी चार दिवस या समर्थन कक्षामधून एक ठाणे जिल्ह्याची स्वीट व्हॉइस मधुर आवाज सिद्दीक भावे सर, सुनील पवार, संदेश पाटील, तसेच कालच्या दिवसासाठी आपल्याला उपलब्ध असणारे प्रमोदजी शेडगे, अतिशय सुंदर असा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचवलेला आहे. सर्व सामन्यांचा थेट विवरण आपल्यापर्यंत पोहोचवलेलं आहे. और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि पूरे रोटरी प्रेसिडेंट कप 2019 में जिस आवाज ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की धूम मचाई, वो एक और आवाज भादौर की सरजमीन से उभरती भी जगन्नाथ नाइक जी की. विश्वनाथ नाइक के सपूत आए. योगेश भुईर हमारे बीच में है, हालांकि एक इनिंग के बाद जरूर वो वीआईपी मंच पे आएंगे. उनका हार्दिक स्वागत है. योगेश भुईर आज अलग अंदाज में आए हैं, लेकिन टीम को अलग अंदाज में खेलना होगा अगर धनेश कुकसे को शिकस्त देना है तो. अगदी बरोबर सिद्दीक भावे सर, एक चुनौती जो रहती है सिद्दीक भावे सर वो पेश करनी होंगी आज मराठा पंजाब को धनेश के सामने. खूप मोठा सामना या सीजन मधील आपल्याला पाहायला मिळतोय. या स्पर्धेचा हाय स्कोर मराठा पंजाब या संघाच्या नावावर आहे आणि धनेश इलेवन नंबर वन टीम भिवंडीच्या आपण पाहतोय. अतिशय सुंदर अशी स्पर्धा आतापर्यंत संपन्न झालेली. या शेवटच्या दिवसामध्ये दोन उपांत्य सामने होणार आहेत, त्याच्यानंतर एक 40+ प्रेक्षणीय सामना होणार आहे, त्याच्यानंतर या स्पर्धेचा मेगा फिनाले शेवटचा सामना होणार आहे. आतापर्यंत सर्व प्रेक्षकांनी सुंदर असं सहकार्य केलंय, आम्हाला आज देखील या सहकार्याची अपेक्षा आहे. आणि तमाम गावातील सर्व नागरिकांना एक विनंती आहे, आपण आजच्या दिवसामध्ये या सामन्यांचा आनंद प्रत्यक्ष या व्यासपीठावर येऊन घ्यायचं आहे. रोटरी क्लबच्या वतीनं नेहमीच एक अतिशय शैक्षणिक सामाजिक असे उपक्रम राबवले जातात. प्रथमच रोटरी क्लबच्या वतीने अतिशय भव्य दिव्य असं सामन्यांचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. या स्पर्धे दरम्यान जी निधी जमा होणार आहे ती सर्व निधी गरीब वंचित घटक अपंग व्यक्ती यांच्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. निश्चित एक चांगला उद्देश रोटरी क्लब ऑफ भिवंडी रुरल यांच्या माध्यमातून. आणि आता आपण वळूया सामन्याकडे. ओव्हर टू संदेश पाटील. धन्यवाद जगन्नाथ नाईक. सलामीची जोडी खेळपट्टीवर. दोन्ही संघांना भरपूर शुभेच्छा देऊया आपण, कारण खूप मोठा सामना पहिला सेमीफायनल आपण पाहतोय. इथून विजय संघ फायनलमध्ये प्रवेश करेल आणि दोन्ही संघांचं लक्ष असेल लॉटरी प्रेसिडेंट कप 2019 वर. पाहूया कोणत्या प्रकारे सुरू होत होते. पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पहिल्या पॉवर प्लेचा षटक दोन शतरक्षक 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर असतील. बाकी सर्व आपण पाहतो 30 यार्ड सर्कल आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. अख्तर शेख याने टॉस जिंकून जो डिसिजन घेतलेला आहे सिद्दीक भावे सर, एक चांगला डिसिजन म्हणेल, कारण की सकाळचा क्षेत्र आहे ड्यू फॅक्टर अजूनही ग्राउंडमध्ये थोडासा सूर्य सूरज दादा जो आहे आकाशामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय.
जवळ जवळ हा सामना सुरू झालेला आहे. पहिला पॉवर प्लेचा षटक पंचांचा इशारा येतोय. अख्तर याच्या हातामध्ये चेंडू आहे. श्याम नाईक गॅलरी इंग कडून सामना करतोय कालरत्न नंदन पाटील. पुढे निघून आपण पाहतोय स्टेप बॅट केले चेंडूला. आपण पाहतोय कव्हर एष्टावरून शतरक्षक शेखर दळवी चेंडूवर येतोय. एकच धामेल त्या चेंडूवर. एक चांगली सुरुवात सिद्धिक भाई. क्लास फटका आपण बघितला सकाळचा पहिला फटका. बिल्कुल, लेकिन फील्डिंग भी बहुत अच्छी सजाई है. आपने देखा कि ऑफसाइड में डीप एक्स्ट्रा कवर पे शेखर दलवी को रखा है. निकल के मारा था फुल पे लेकर. प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन कॉन्फिडेंस स्ट्रोक. आप देख रहे हैं रोटरी प्रेसिडेंट कप 2019 का आज सुपर संडे और सुपर मुकाबला. पहला सेमीफाइनल मराठा पंजाब बनाम धनेश कुक से. एक चांगली सुरुवात पाहायला मिळते. नंदन पाटील आपल्या संघाचं खातं खोलतो. वैयक्तिक देखील खातं खोलताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. श्री गणेश येतोय स्कोरबोर्डवर. अख्तर आता मात्र ब्लॉक हॉल मध्ये चेंडूचा सन्मान दिला चांगल्या चेंडूला. जयेश पाटील डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न करतायत. ये देखिए रणनीति, देखिए जयेश पाटील सर्कल में थे जब उनका थ्रो डीप से आए थे. क्या थ्रो किया था, अगर स्टंप से टकरा था तो जाना होता. देखिए आउटफील्ड में भिवंडी क्रिकेट तालुका के कुछ खिलाड़ी हैं जो पूरे देश में चमके हैं. जयेश पाटील हो या फिर कुमार हो, बहुत से नाम है. अगदी बरोबर, भावेश पवार याचं देखील नाव येतो. आता मात्र पुन्हा एकदा सुरेख फटका. मात्र प्लेसमेंट चांगला नाही आहे सिद्धिक बाबेचा. कारण की शेखर तिथे सज्ज आहे एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रामध्ये. फिल्डर आहे सुनीलजी देवेकर, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. लेकिन एक अच्छे फील्डर को ये सीजन हम मिस कर रहे हैं, वो है इंडियन के जमा, वन ऑफ द ग्रेट आउटफील्ड फील्डर. यस अख्तर पुन्हा एकदा सामने गेले एन कडून. आता मात्र आपण बघा अतिशय सुंदर असा फटका आहे. मात्र शतरक्षक तैनात आहे कुमार. जवळ जवळ एक चांगला शतरक्षक पाहायला मिळतो सिद्धिक बाबे सर. शॉट्स बहुत अच्छे खेल रहे हैं, लेकिन प्लेसमेंट उतनी बढ़िया नहीं कर पा रहे. ये देखिए स्वीप किया था झुक कर, गजब की टाइमिंग, लेकिन गेंद सीधी ट्रैवल होती भी कुमार के पास. विश्वजीत नाईक हमसे जुड़ चुके हैं, जय दुर्गा बी के पूर्व ऑलराउंडर. आपका हार्दिक स्वागत है अख्तर. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय नंदन याला कोणत्या प्रकारचा बंधन नाहीये आणि चौकार उसूल करतोय. अतिशय सुमित लॉजिस्टिक प्रोप्रायटर सुमित पुरुषोत्तम पाटील यांच्या मानाचा रोटरी दणदणीत चौकार. बहुत खूबसूरत शॉट, स्विच हिट किया था गेंद खाली क्षेत्र में, चार रन. नंदन पे बंधन नहीं. अगदी बरोबर, ज्या प्रकारे फॉर्म मध्ये अख्तर. पुढे निघून पुन्हा एकदा मारण्याचा प्रयत्न निर्धार चेंडू आणि अतिशय सुंदर असा षटक समाप्त करतोय अख्तर. स्वतः कर्णधार पहिल्या षटकामध्ये फक्त 8 धावा खर्च करतोय. देखिए 3 मिनट में उन्होंने जो ओवर खत्म किया उसका कारण ये है कि पीच में जो मॉइस्चर है, जिस तरह उन्होंने ओपिनियन दिया था उसका वो लाभ उठाना चाह रहे. और एक ओवर की समाप्ति पे 8 रन बने. ये देखील विसरून चालणार नाही सिद्धिक बाबे साहेब. 10 विकेट जे आहेत सुरक्षित आहेत. इथून अटॅक करण्याचा खूप प्रयत्न असेल, कारण की पॉवर प्लेचा हा दुसरा षटक असणार आहे. 3 खेळाडू 30 सर्कलच्या बाहेर असतील. गफूर शेख ने दानिश काजी को ऑल द बेस्ट कहा है. प्रतीक पाटिल शेलार ने दिनू भुईर और धनेश कुकसे को ऑल द बेस्ट कहा है. और बिपिन पाटिल भादवर ने मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा है. आमच्यामध्ये बिपिन पाटिल देखील व्यासपीठावर आलेले आहेत. आपलं हार्दिक स्वागत आहे बिपिन. अतिशय जबरदस्त सुरुवात पाहायला मिळाली गोलंदाजी करताना धनेश कुकसे संघाचे. यस, आरके ट्रॉफी के स्कोरर बिपिन पाटिल जिन्होंने मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा है और हमसे जुड़ चुके. खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी में भावेश पवार सामना करेंगे आतिश पाटिल. मराठा पंजाब का कहना है कि 60 के ऊपर और सुबह के सत्र में 60 प्लस एक अच्छा टोटल रहता है. भावेश पवार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. बोस्टो आतिश पाटिल पुट अवे ऑन द ऑन साइड. लॉन्ग चेस फ्रॉम द फील्डर डजंट स्टॉप दैट बॉल एंड बॉल इज रेसिंग ऑल द वे टू द बाउंड्री फॉर 4. नो चांस फॉर जयेश पाटिल. सुमित लॉजिस्टिक प्रोप्रायटर सुमित पुरुषोत्तम पाटील यांच्या मानाचा रोटरी दणदणीत. लुक एट दैट ब्यूटिफुली प्लेट फोर्सिंग ऑफ हिज बैक फुट पास द मिड ऑन रेसिंग ऑल द वे टू द लॉन्ग ऑन फॉर 4. जयेश पाटील एट वाइडिश मिड विकेट ट्राइंग वेरी हार्ड बट बॉल इज रेसिंग फॉर 4. बोस्टो आतिश पाटील द
This time once more drive, bottom of the bat ball is travelling to mid on and with the stroke batsman through for one. Those are recently joined us. For their information, you are watching the first semi-final between Maratha Punjab and Maratha and Dhanesh Kukse. Second over in progress, Dhanesh won the toss, elected field first. Sun shining brightly, cool morning here, cool breeze running over the ground. Here goes Bhavish Pawar. Facing him batsman Nandan Patil. Bhavish Pawar goes to Nandan, switch it over the infield and ball is racing to the deep third man. Good cut off from the fielder Akhtar Sheikh, the captain. Batsman taken three, but I think this is the positive cricket from Maratha Punjab. Attack is the best form of defense. Yes, Agdi. इथूनच सिद्दीक भाबे सर जर धावा दरम्यान या ठिकाणी व्यासपीठावर आगमन होते रोटरी क्लब भिवंडी रुलरचे सन्माननीय अध्यक्ष जगदीश जी म्हात्रे सर आपला हार्दिक स्वागत आहे. सुस्वागतम सुस्वागतम. भावेश पवार फेसिंग हिम आतिश पाटील द कॅप्टन ऑफ मराठा पंजाब. आतिश ट्राय टू माइटी ब्लो बी सीम आउटसाइड डी ऑफ स्टंप. फाइन डिलिव्हरी फ्रॉम भावेश पवार. Suraj Varghade, all the best for Akash Varghade, Dinu and Dhanesh Kukse. Rahul Kadam, all the best for Dhanesh. This time slow one, cut that ball over the infield for four. This is a terrific stroke, minimum effort and maximum result. Sumit Logistics, proprietor Sumit Purushottam Patil. यांच्या मानाचा रोटरी दणदणीत चौका विथ गिव्हन बाय भावेश पवार. लुक एट दॅट स्लो वन रीड अर्लियर गोज इज बॅक फुट कट ओवर द इनफील्ड अपर कट फॉर फोर. दिस टाइम अ सेन्सिबल पुश फ्रॉम आतिश पाटील अँड बॅट्समॅन थ्रू फॉर वन. आय थिंक दिस इज द गुड प्लॅनिंग ऑफ मराठा पंजाब. दे आर वेटेड फॉर लूजनर अँड दे डिफेंड दी व्हेरी गुड डिलिव्हरी. दॅट मार्क्स एंड ऑफ द मॅन्डेटरी पॉवर प्ले. मराठा पंजाब व्हेरी गुड टोटल ऑन दी बॉट 21 फॉर नो विकेट. अगदी बरोबर 21 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात आणि 10 जे फलंदाज आहेत सुरक्षित आपल्या पाहायला मिळतात खेळाडू कक्षामध्ये. एक चांगली दर्जेदार सुरुवात पाहायला मिळतोय. खास करून आपण कर्णधाराचा विचार केला आतिश पाटील ज्या प्रकारे फलंदाजी करतोय निश्चित आता 60 ते 70 धावा आपल्या धावपळकावर पाहायला मिळतील. पव्या पहिला षटक टाकला होता अख्तर याने 8 धावा दिल्या होत्या. त्यानंतर भावेश पवार आज 13 धावा खर्च करतात आपल्या षटकामध्ये. नेक्स्ट मॅच सेकंड सेमीफायनल युतिका स्पोर्ट आणि एसपी स्पोर्ट दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना टॉस बॉक्स मध्ये लगेच यायचंय. तोपर्यंत सामना थांबलेला आहे. सिद्दीक बाबेसा चर्चा करूया आपण दोन्ही संघांची कारण की दोन्ही संघामध्ये चांगली गोलंदाजी आणि फलंदाजी आहे आपल्याला पाहायला मिळतोय. एका बाजूला जयेश पाटील तर दुसऱ्या बाजूला आपल्याला पाहायला मिळतोय नंदन. त्यानंतर भावेश पवार आणि आतिश पाटील आपल्याला पाहायला मिळतंय. दिनू भोईर आहे विकी म्हात्रे आणि विवेक शेलार गोलंदाजी मध्ये. अंपायर आपको थोडी देर के लिए खेळ रोकना है. अगदी बरोबर आहे कारण की गाडी आपोपात ट्रॉफीज सुंदर अशा ट्रॉफीज आलेल्या आहेत. देखिए जय महाराष्ट्र दामनगाव की तरफ से मराठा पंजाब को हार्दिक शुभकामनाएं. समीर भोईर ने ये शुभकामनाएं भेजी है. कुमार के लिए और हेमंत अरट के लिए और कमेंट्री पैनल के लिए अंकित भुईर बिनार ने कॉम्प्लीमेंट दिए. पानी की सुविधा की जाए. क्लब करेश क्रिएशन आणि आई एकवीरा ग्रुप तर्फे आलेल्या सर्व खेळाडूंचे आणि पाहुण्यांचे मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. या ठिकाणी संपूर्ण ट्रॉफीज घेऊन करेश स्वतः या मैदानामध्ये अतिशय सुंदर अशा ट्रॉफीज रोटरी क्लब ऑफ भिवंडी रुलर यांच्या वतीने आयोजित रोटरी प्रेसिडेंट कप 2019 पाणी घेऊन चाललेले आहेत आपल्याला पाहायला मिळतंय. मनस मात्रे खूप मेहनत घेतलेली आहे या स्पर्धेसाठी. तर आपण चर्चा करूया आपण या टुर्नामेंटची कारण की अतिशय जबरदस्त रंग ते टुर्नामेंट
संपूर्ण जगामध्ये पोहोचवण्याचं काम प्रिन्स मूवीज लाइव टेलिकास्ट आपल्याला पाहायला मिळतंय. अतिशय सुंदर ड्रेसिंग मध्ये प्रथमेश पाटील आणि त्यांची संपूर्ण टीम, मेन कॅमेरा भावेश बारसी, ऑपरेटर गणेश दीक्षित आमचे ऑपरेटर आणि विवेक गुलबी, लेट परशुराम टॉरे ट्रॉफी के करता धरता प्रहलाद भुईर ने दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है. दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है. और लेट परशुराम टॉरे ट्रॉफी की ज्वाइंट विजेता रही थी महेंद्रा और धनेश कुक से. पविया गोलंदाजी मध्य पॉवरफुल गोलंदाज विवेक शेलार श्याम नाईक गलिनेन कडून पहिला चेंडू फुलटा चेंडू आणि चेंडू सीमेच्या बाहेर जातोय. सहा धावांसाठी टावरिंग षटकार. आज काफी इरादे खतरनाक लग रहे हैं. आतिश पाटिल के तेवर काफी तीखे लग रहे हैं. यही टीम थी जिनके सामने उन्होंने 26 साल का कीर्तिमान बनाया था. ये देखिए स्लॉग स्वीप किया था लेट गोपीनाथ मुंडे ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में. यही आतिश पाटिल है जिन्होंने हथेली पर जान लेके वो मैच जिताया था. अगदी बरोबर. वॉट अ शॉर्ट टाइमिंग फुटवर्क आपल्याला पाहायला मिळतोय वापर करताना आतिश पाटील. विक्षेलार पुन्हा एकदा श्याम नाईक गलिनेन कडून पुन्हा एकदा फुलटा चेंडू पुरेपूर फायदा घेता येत नाहीये. स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये जयेश पाटील वॉन्डर बॉय भिवंडी चांगला क्षेत्ररक्षण करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. या ठिकाणी आगमन झालेले बॉल बॉय हमारे बॉल बॉय वहां पर जो बाउंड्री पे खजाना पड़ा है उसको हटा दे. या ठिकाणी आगमन झालेले सन्माननीय हेमंतजी गुळवी मुसाभाई आपला हार्दिक स्वागत आहे. तसेच योगेश म्हात्रे नाना आपलं देखील या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. सुस्वागतम सुस्वागतम. देखिए मराठा पंजाब ने जो क्रिकेट खेला है इस रोटरी प्रेसिडेंट कप में वो लाजवाब क्रिकेट है. अगदी बरोबर सिद्दीक भावे सर. कारण की आपण बघितलं या स्पर्धेतील हाय स्कोर देखील मराठा पंजाब संघाचा आहे 108 धावांचा आणि सलामीची जी जोडी आहे अतिशय सुंदर अशी सुरुवात करून देते आपल्या संघासाठी. यस मयुरेश भाई ने इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा है मराठा पंजाब को. और सबसे बड़ी बात है कि बाबा बहुत अच्छे टच में, दानिश अच्छे टच में और साकिब अच्छे टच में. या ठिकाणी आगमन होते सन्माननीय गणेश जी पाटील आपला हार्दिक स्वागत आहे सुस्वागतम. तसेच रोटरी क्लब ऑफ भिवंडी रूलर चे सन्माननीय सेक्रेटरी फ्राइट आर्म ओवर द विकेट पुन्हा एकदा अतिशय सुंदर असा कट केलेल्या चेंडू पाहता पण गली पॉइंट मध्ये चेंडू जातोय. कुमार आडवतो तोपर्यंत दोन धावा पूर्ण करते. रनिंग बिटवीन द विकेट चांगली पाहायला मिळतंय दोन्ही फलंदाजांमध्ये. सुबह के सत्र में क्लास बल्लेबाजी देख रहे हैं. धन्यवाद ट्रिपल एस चैनल, धन्यवाद एसएमपी चैनल. एसएमपी चैनल 992 पे आप देख सकते हैं रोटरी प्रेसिडेंट कप 2019 को. धन्यवाद पपिया जी, धन्यवाद विजय जी एंड धन्यवाद वीरेन सेठ. विक्षेलार पुन्हा एकदा राईट आर्म ओवर द विकेट सामना करतोय नंदन. आता स्विच बंब हलक्या त्याने पटकन ढकलून दिलेले चेंडूला. स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये येतोय चेंडू. कुमार चेंडूला अडवतोय तोपर्यंत एक धाव मिळतोय. क्लास फलंदाजी पाहायला मिळतोय. एक मोठा फटकार त्यानंतर शांत क्रिकेट. या ठिकाणी आगमन होते सन्माननीय शंकरजी भोईर साहेब आपला हार्दिक स्वागत आहे सुस्वागतम सुस्वागतम. विक्षेलार पुन्हा एकदा आता मात्र पाहतोय कडक फटका बंब सकाळच्या क्षेत्रातील दुसरा षटकार पेश करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. आतिश पाटील मजबूत कडी पे वार किया है. और एक कहावत है इंग्लिश की कि हार्ड थिंग इज ब्रोकन अर्लियर. अगदी बरोबर. सख्त चीजें जल्दी टूटती है. सिर्फ फर्क है कि चोट सही जगह पे लगना चाहिए. गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं टीम के कैप्टन आतिश पाटील. तेलंगाना में 9 स्टार ट्रॉफी को इस वक्त राहुल श्रीकांत जी देख रहे हैं. उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिए हैं और मेरे लिए जो कॉम्प्लीमेंट दिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं. या ठिकाणी प्रेसिडेंट कप 2019 के लिए उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिए तेलंगाना से. या ठिकाणी आगमन झालेले सन्माननीय रोटरी क्लब रूलरचे संस्थापक अध्यक्ष हरिचंद्र, रूलरचे सन्माननीय अध्यक्ष हरिचंद्र भोईर. विक्षेलार पुन्हा एकदा ऑल इज वेल ने
धनेश कॉल द बेस्ट काय आता मात्र पाहतो आपण परफेक्ट यॉर्कर चेंडू सन्मान दिले चेंडूला चांगला चेंडूला चांगला सन्मान देताना आपला पाया मिळतोय आतिश पाटील या षटकामध्ये लय लूट केली होती धावांची आपण पाहतोय दोन षटकार पेश केले होते आतिश पाटील यांनी धाव संख्या होते ती 37 धावा एक डेंजर धाव संख्या सिद्दीक भाभे सर यस इससे बढ़िया शुरुआत क्या हो सकती है रोटरी क्लब ऑफ भिवंडी ग्रामीण के सेक्रेटरी शंकर भुईर ने आतिश पाटिल को ऑल द बेस्ट कहा है और ऑल इज वेल चलता हुआ अगदी बरोबर कारण की धाव फलकार 37 धावा तीन षटका मध्ये आपण पाहतोय एक दमदार सुरुवात यस आई थिंक दिस इज द एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टार्ट फ्रॉम मराठा पंजाब एंड वेरी हैप्पी मैन योगेश भुईर इन डग आउट अगदी बरोबर जे घातक गोलंदाज होते त्यांच्या विरुद्ध एक चांगली फटकेबाजी आतिश पाटील मॅन फ्रॉम वल याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतंय आमच्या कॉमेंटरी बॉक्स मध्ये गणेश पाटील ये देखिए बड़ा बैनर किंग मेकर खासदार कपिल पाटील जी हमारे साथ रहेंगे और दानशूर राजा मदन बुआ नाइक जी अजय गुलवी ने धनेश को ऑल द बेस्ट कहा लेकिन फिलहाल ऑल इज वेल नहीं और काफी मैसेजेस आ रहे हैं इरफान शेख फरीद पानी वाले ने दानिश काजी को ऑल द बेस्ट कहा है मयूरेश भाई ने मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा है जब जब वक्त रहेगा जब ही हम ये पहुंचाएंगे वैभव वलपाड़ा ने मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा है मतलब ऑल इज वेल आपल्याला पाहायला मिळतं मराठा पंजाब संघासाठी आदेश नाईक ने भावेश पवार को ऑल द बेस्ट कहा है भावेश पवार लेफ्ट आर्म गोलंदाज आपण पाहतोय ऑर्केस्ट्रा एन कडून सामना करतोय नंदन पुन्हा एकदा आपण पाहतोय हवे मध्ये चेंडू आहे शतरक्षक जयेश पाटील याच्या हातातून चूक होते सिद्दीक भाभे सर कभी कभी शेर से शिकार छूट भी जाता है जंगल में जिस तरह जयेश पाटील से बड़े मुश्किल से कैच छूटता है ये कैच छूटा है अगदी बरोबर आणि जीवनदान मिळतोय फलंदाज नंदन याला हे पाहू शकतो आपण ऑफ स्टंपर चेंडू होता ऑन साइड क्षेत्र निवडला होता क्लिअर करण्याचा प्रयत्न मात्र चेंडू हवेमध्ये जयेश पाटील चांगला प्रयत्न जेतू भोईरने धनेश कॉल द बेस्ट काय पुणे एकदा आपण पाहतोय या सुरेख फटका आहे आणण्याचा प्रयत्न केल्याने जाते चेंडू सीमेच्या बाहेर चार धावांसाठी दणदणीत चौकार कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं टीम के कैप्टन आतिश पाटील और वो जब इस तरह बल्लेबाजी करते हैं मानो गेंदबाजी के लिए श्यामल आजाद पाटील यांच्या मानाचा रोटरी दणदणीत चौकार क्या शॉट खेला ये देखिए झाड़ू स्ट्रोक ऑफ स्टंप के बाहर से स्वीप किया था प्लेसमेंट गजब की टाइमिंग चार रन अब बहुत ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं सब पढ़े नहीं जा सकते इसलिए मैं अपना मोबाइल ऑफलाइन कर रहा हूं भवेश पवार पुनः एकदा आरके पटिस्टान इन करून आता मात्र आपण पाहतोय व्हाइट तशर कारण की खूपच रेंज च्या बाहेर फलंदाज आपला पाया मिळते आणि 140 चा इशारा करताना 140 ओवर का भी इशारा किया है और ये जो शॉट था उसको खेलने की कोशिश की थी पुनः एकदा आपण पाहतोय या व्हाइट यॉर्कर चेंडू पाहायला मिळतोय अतिशय वापसी चांगली करताना आपल्या पाया मिळते भावेश पवार यस बढ़िया वापसी और टेलीकास्ट देखिए तुरंत ही रिप्ले बता दिया चॉप करना चाहते थे आतिश पाटील भावेश पवार पुनः एकदा आता मात्र पाहतोय पण मारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे जिथे धाव नव्हती तिथे धाव पूर्ण करताना लेग बायचा इशारा करताना फारूक बडी सर शॉर्ट थर्डमॅनवर चेंडू अडवला होता आणि एक धाव मिळतो या चेंडूवर आपल्या पाहायला मिळतोय हे पाहू शकतो आपण मैं हमारे तमाम ऑडियंस से क्षमा चाहता हूँ रनिंग कमेंट्री में इतने ढेर सारे मैसेज नहीं पढ़े जा सकते हैं आप सबकी तरफ से ऑल द बेस्ट दोनों टीमों को आप संदेश के मोबाइल पे एसएमएस कर सकते हैं भावेश पुनः एक बार पाता है सरल अपलेट ने खेला हा शॉर्ट सिलेक्शन करता है लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑन मधोमध चेंडू चांगला शतरक्षक हेमन हरड अपने पाया मिलते हैं शंकर भोईर सेक्रेटरी रोटरी क्लब ऑफ भिवंडी ग्रामीण ने जयेश पाटील और आतिश पाटील दोनों उनके स्टूडेंट हैं दोनों को ऑल द बेस्ट का है भावेश पवार पुनः एकदा आरके पाटील स्टैंड इन कडून सामना करते आतिश पाटील आता मात्र पाहतोय आपण शॉर्ट पिच चेंडू होता पुरेपूर फायदा घेता येत नाहीये मात्र चांगला क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय पुन्हा एकदा हेमन हरट तिथे सज्ज आहेत एकदा मिळतोय या चेंडूवर लेकिन जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी उसी की तरह की शुरुआत हम देख रहे हैं मराठा पंजाब की टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई सुबह के सत्र में दर्शक काफी जुड़ चुके हैं
46 धावा धापड़कर लगता है 46 रन बन चुके हैं सिद्दीक बाबे सर, बढ़िया बल्लेबाजी अब तक दोनों ओपनर्स नंदम पाटिल और आतिश पाटिल की। आइए अगले दौर के लिए सिद्दीक भाबे सर को सुनते। थैंक यू सो मच संदेश पाटिल। एंड ऑफ द फोर्थ ओवर आई थिंक दिस इज द टेरिफिक स्टार्ट फ्रॉम मराठा पंजाब। 46 फॉर 9 विकेट। आतिश पाटिल प्लेइंग अ कैप्टन नॉक, ही इज ऑन 30 हेल्प ऑफ 15 बॉल्स एंड नंदन पाटिल ऑन 14 हेल्प ऑफ 9 बॉल्स। यू आर वॉचिंग द फर्स्ट सेमीफाइनल ऑफ रोटरी कप 2019 बिटवीन धनेश कुकसे एंड मराठा पंजाब। विदाउट लॉस इज गोइंग टू बी विवेक शेलार कंटिन्यू इन फर्स्ट ओवर। एक्सपेंसिव ओवर फ्रॉम विवेक शेलार गिवन वे 16 रन्स बट कैप्टन ट्रस्ट ऑन विवेक शेलार। अगदी बरोबर भावेश पवार, याचा इथून खूप प्रयत्न असेल की आपला गोलंदाज विवेक शेलार जो आहे विकेट काढण्यासाठी त्याच्यासाठी लावलेला आहे, मात्र इथून आता मात्र 2 षटक असणार आहेत आणि आता मात्र पूर्णपूर हात खोलण्याची एक संधी असेल दोन्ही फलंदाजांना, कारण की नजर चेंडूवर बसलेली आहे सिद्दीक बाबे सर। फर्स्ट टाइम एज अ सीनियर मराठा पंजाब प्लेइंग विदाउट प्रेशर। महबूब राजस्थानी, ऑल द बेस्ट फॉर योगेश भिडे एंड मराठा पंजाब। फर्स्ट बॉल आतिश पाटिल पुट अवे, फील्डर इज देयर, फर्स्ट विकेट इज गॉन नाउ, नो मिस्टेक मेड बाय आतिश गोडविंदे। ओम साई ऑटोमोबाइल प्रोप्रायटर संदीप रघुनाथ पाटील यांच्या मानाचा रोटरीला वंदन करणारा विकेट। लुक एट दैट, द विकेट ऑफ आतिश पाटिल हु इज आउट फॉर 30 अराउंड द ऑफ स्टंप, स्वीप डैश बॉल हाई इन द एयर, वेल जजिंग फ्रॉम द फील्डर आतिश गोडविंदे राइट एट मिड विकेट बाउंड्री। अगदी बरोबर सिद्दीक बाबे सर, ज्या विकेटची गरज होती तो विकेट हासिल करताना आपला पाया मध्ये धनेश लिओन कुकसे, दरम्यान चेतन पवार पणजी गोवा इथे फिरण्यासाठी गेलेला आहे, मॅचचा आनंद घेत आहे युट्यूबच्या माध्यमातून, दोन्ही संघांना कॉम्प्लिमेंट देत आहेत, शुभेच्छा देत आहेत, आपलं हार्दिक स्वागत आहे चेतन पवार सर्वप्रथम। न्यू बॅट्समॅन इन दानिश काझी, रिमेंबर दानिश हॅव 3 लेफ्ट हँडेड बॅट्समॅन एंड मराठा पंजाब हॅव 3 लेफ्ट हँडेड बॅट्समॅन, आतिश पाटील, दानिश काझी एंड साकिब कुमार, भावेश पवार एंड विकी म्हात्रे। अगदी बरोबर, चांगली सुरुवात पाहायला मिळते, इथून विकेट प्राप्त करताना गोलंदाज आपला पाहायला मिळतोय विवेक शेलार, इथून आता मात्र नवीन फलंदाज दानिश काझी डीके ऑफ भिवंडी। विवेक शेलार टर्न फ्रॉम फार एंड हु क्लेम द फर्स्ट विकेट फॉर हिज साइड, फेसिंग हिम बॅट्समॅन नंदन पाटील। गोस टू नंदन, गोज इज बैक फुट, कंट्रोल पुल स्ट्रोक, जयेश पाटिल आफ्टर इट, इनफ टाइम, बैट्समैन गेस वन, सो वन मोर टू टोटल, नाउ स्कोर मोज अप टू 47 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट। मराठा पंजाब लूजिंग अ टॉस बैटिंग फर्स्ट इयर। टॉस हरल्यानंतर सर्वप्रथम फलंदाजी करताना आपला पाया मिळते मराठा पंजाब, 4 षटकांमध्ये एक चांगली सुरुवात पाहायला मिळाली होती, त्यानंतर विवेक शेलार पहिल्या चेंडू ब्रेक थ्रो मिळवून देतो आणि एक सिंगल धाव खर्च करतोय, चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत, आणि ज्या पहिल्या षटकामध्ये विवेक शेलार यांनी धावा खर्च केले त्या संपूर्ण वापस करताना आपल्या पाहायला मिळतात, कारण की चांगली गोलंदाजी, अटॅक चांगला पाहायला मिळते विवेक शेलार याच्याकडून। दानिश काझी इज द फेमस बैठक बॅट्समॅन, विवेक शेलार बॉस टू दानिश, फाइन डिलीवरी, ट्राई टू यॉर्क, दे थ्रू फॉर अ चीकी सिंगल, नॉट अ वेरी गुड स्ट्रोक प्लेड बाय दानिश, फाइन डिलीवरी अराउंड द ऑफ स्टंप फुलर लेंथ। इन दिस ओवर विवेक शेलार कंटेन बैट्समैन, कीप एंड क्वाइट, वन टू स्कोर, नाउ स्कोर मोज अप टू 48 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट मराठा पंजाब। नेक्स्ट सेमीफाइनल बिटवीन करण पाटिल फेम टीम एस पी दापोडे एंड भरत पाटिल फेम टीम युतिका। विवेक शेलार बॉस टू नंदन, फोर्स दैट बॉल इन द एयर, कुड बी कॉट, मैन अंडर इट, नो इज ड्रॉप, बैट्समैन लुकिंग फॉर अ थर्ड इनकम थ्रो, कुड बी क्लोज, नो सेज बाय अंपायर,
So 3-2 total now. This is the good running between the wicket by these two. 3-2 total now. Look at that. Goes his back foot and around the off stump, pulls it in the air. Not getting too much elevation behind his stroke. Shekhar try one-handed, well covered from Jayesh Patil. Now pick and throw the ball. And finally, batsman safe in the benefit of doubt in favor of batsman. So score bouncing to 51. अशा प्रकारे 50 धावा पूर्ण होतात, 51 धावा धावपळकर लागतात. पंजी गोवर्न चेतन पवार बंटी आणि सचिन पाटील पूर्ण मॅचचा आनंद घेत आहेत लाइव टेलिकास्टच्या माध्यमातून. विवेक शेलार बसतो. दानेश फ्लेक्स इन द एअर, यस इज आउट वन्स मोर. आतिश गोडविंदे टेकन अ व्हेरी गुड कॅच एंड दानिश इज आउट फॉर चीपली. सेकंड विकेट इज गॉन नाउ. ओम साई ऑटोमोबाईल प्रोप्रायटर संदीप रघुनाथ पाटील यांच्या मानाचा रोटरीला वंदन करणारा विकेट. लुक एट दॅट लवली डिलिव्हरी फ्रॉम विवेक शेलार. दानिश फ्लिक्स दॅट बॉल, फ्रंट फुट फ्लिक स्ट्रेट टू फिल्डर. सेकंड कॅच फ्रॉम आतिश गोडविंदे. विवेक शेलार बॉल एक्सलंट इन दिस ओव्हर. In first over he given away 16 runs, but just now in 5 balls he given away only 4 runs and claimed 2 wickets. Bhavesh Pawar trust on the young bowler. He done outstanding bowling in this over. Agdi barabar atishya sundar golandaji paramete don gadi baat karne yash milte Vivek Shelar yala darmiyana Jai Bajrang Mitra Mandala Bhadwad Timkar Pada yancha madhyamatun ya spardhela shubhechha ani doni sanghana compliment dete khas karun Vicky Matre specially आणि श्री गणेश भादवड या संघाने शुभेच्छा दिलेल्या. चंद्रकांत जोशी आपलं हार्दिक स्वागत आहे. विवेक शेलार फेसिंग हिम नंदन पाटील. नंदन पाटील प्लेइंग अ एंकर रोल हियर. दिस टाइम अ लवली लुकिंग ऑफ ड्राइव लॉन्ग ऑफ आतिश गोडविंदे इज देअर. फाईन पिकअप अँड अ फाईन रिटर्न. डेट मार्क्स एंड ऑफ द फिफ्थ ओव्हर. मराठा पंजाब 52 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. 5 ओवर की समाप्ति 52 रन 2 विकेटों के नुकसान पे मराठा पंजाब का स्कोर 1 ओवर बचा है. संदेश 10 के ऊपर देखना चाहेंगे मराठा पंजाब. अगदी बरोबर. मात्र याच्या अगोदर एक्सलंट गोलंदाजी पाहायला मिळाली विवेक शेलाराची. 2 विकेट आतापर्यंत घेतलेले आहेत. हे पाहू शकता सुंदर अशा ट्रॉफी जा सिद्धिक बाबे सर रॉटरी प्रेसिडेंट या ठिकाणी व्यासपीठावर आगमन झालेले सन्मान्य शत्रुघ्न जी नाईक ठाणा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे माजी संचालक. आपला हार्दिक स्वागत है. सुस्वागतम सुस्वागतम. ट्रॉफी दिखाई जा रही थी. ये जगदीश नाइक जी को दिखाया जा रहा है. करेश मात्रे और हरिश्चंद्र भुईर जी. खेल की शुरुआत होती हुई नए बैट्समैन बाबा जबकि गेंदबाजी के लिए एक्सपीरियंस कंपेनर दीनू को लगाया गया है. एसपी दापोटे के कैप्टन और युतिका के कैप्टन आप दोनों को टॉस के लिए तैयार रहना है. जयेश पाटिल ने फील्डर को पीछे कर दिया वहां पर और कवर को अब अंदर बुलाया है. बहुत ही हॉट क्रिकेटर हैं लेकिन हर फन मौला खिलाड़ी भावेश पवार हर फन जानते हैं. गेंदबाजी बल्लेबाजी विकेट कीपिंग फील्डिंग सब कुछ. दिनू पहली गेंद खींच के मारा है. लॉन्ग ऑन पे फील्डर है. एक से ज्यादा कुछ भी नहीं. देखना है कि बाबा बहुत अच्छे टच में है. क्या करते हैं बाबा. पूरे सीजन में जो टॉप 10 बैट्समैन है उसमें बाबा का भी नाम है. अगदी बरोबर. आणि या स्पर्धेमध्ये चांगली फलंदाजी देखी केली आहे बाबा यांनी. प्रणय पाटिल ने 2 अर्धशतक लगाए. नंदन पाटिल ने 1 अर्धशतक लगाया है. ये जो 2 टीमों है उनका हम आकलन करें तो 2 अर्धशतक दानिश काजी 1 लगा चुके हैं. नंदन लगा चुके हैं. दिनू कमाल के खिलाड़ी हैं लेकिन बाबा बॉटम एंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं.
ऊंची बैकलिफ्ट से बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। बहुत बढ़िया यॉर्कर, बाबा की नींद उड़ाता हुआ यॉर्कर। और ये देखिए मां थ्रंबल, और ये क्या हो रहा है, दो बाई के रन, जहां पर एक एक रन कीमती है। स्ट्राइक भी बाबा के पास गया है, दिनू खुश नहीं है वहां पर। ये देखते हुए भावेश पवार ने शेखर को शायद विकेट कीपिंग के लिए भेजा है। ये देखिए मान खिलाड़ी की पहचान, आज उनके गेंदे हाथ में नहीं आ रही है, स्वयं हट गए। ये रहता हरफन मौला खिलाड़ी, अगदी बरोबर, अतिशय सुंदर असा आपल्याला शत्रक्षण पाहायला मिळालं होतं, मात्र जो थ्रो होता रॉन्ग एंड थ्रो आला होता सिद्दीक भावे सर, त्याचा कारण कई बार ऐसा होता है, दो दो कॅच छोड़ने के बाद भी बोलता है मैं ही करूंगा विकेट कीपिंग। हेमंत गुलवी मुस्कुराते हुए मुसा भाई, दिनू बाबा को बैकलिफ्ट को ऊंचा नहीं रख पाए। बढ़िया फील्डिंग जयेश पाटिल की, दूसरे के लिए। एक बात है कि पहले जो नंदन पाटिल को आउट नहीं किया था वो अब महंगा पड़ता हुआ। अगदी बरोबर है, प्रत्येक चेंडू मागे दोन धावा जमा करता है, क्योंकि नंदन पाटिल को बाबा ने कहा है तुम भागते रहो चाहे आउट हो जाओ। मेयर कप 2008 में राजू बोगा को आउट नहीं करना बहुत महंगा पड़ा था बाबा स्पोर्ट्स को। दिनू लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए बाबा के लिए, इस मरतबा अपील और आउट LBW। राउंड आर्म गेंद थी, कमाल की गेंदबाजी दिनू की। ओम साई ऑटोमोबाइल प्रोप्राइटर संदीप रघुनाथ पाटील यांच्या मानाचा रोटरीला वंदन करणारा विकेट। ये देखिए राउंड आर्म गेंद थी, सीधा टो से टकराई प्लम LBW। बाबा भी इस गेंद पर कह सकते थे बाबा रे बाबा, क्या गेंद थी दिनों की। बाबे सर दोन चेंडू फुलटॉस मिले होते बाबाला, बाबा याच्या बॅट मधून काही षटकार पाहायला मिळाले नाही प्रेक्षकांना। देखिए बड़े मैच का जो प्रेशर रहता है, मैं अक्सर कहता हूँ कि जब मैच बड़ा होता है तो खिलाड़ी छोटा हो जाता है। अगदी बरोबर, कारण की आपण पाहतोय फर्स्ट सेमीफाइनल पाहतोय सिद्दीक बाबे सर। देखिए 10 के 10 टूर्नामेंट में लगातार सेमीफाइनल में पहुंच के 26 साल का एक नया कीर्तिमान धनेश कुकसे ने बनाया। अगदी बरोबर, नवीन फलंदाज खेलपट्टीवर येत आहे, शाकिब येतोय। दिनू साकिब के लिए, तीन बाएं हाथ के बैट्समैन अब यूज किए जा चुके हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट साकिब के लिए। गेंद को खेलना चाहते थे एज और आउट, कमाल की गेंदबाजी दिनू कर रहे हैं, अपना जितना एक्सपीरियंस है सारा झोंक दिया अपनी गेंदबाजी में। ओम साई ऑटोमोबाइल प्रोप्राइटर संदीप रघुनाथ पाटील यांच्या मानाचा रोटरीला वंदन करणारा विकेट। 1999 में मैंने उनको मैन ऑफ क्राइसिस का नाम दिया था, मर्दे बौरान संकट मोचन मैन ऑफ क्राइसिस। आतापर्यंत आपल्याला निश्चितच चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते, दिनू भुईर यांचा खूप अनुभव क्रिकेटशी आपल्याला पाहायला मिळते, आणि ज्या प्रकारचा शेवटच्या षटकामध्ये आपकी मालूमात के लिए कि वो कब दिया था, जब चैलेंज के सामने उन्होंने उमा विश्वास मात्रे को पावर शेलार से खेलते हुए जो एंट्रेंस है वहां पर सिक्सर लगाना शुरू कर दिए थे। इथे देखील त्याच प्रकारचा क्रिकेट पाहायला मिळतोय दिनू भुईर याच्याकडून, मॅन फ्रॉम शेलार, एक चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत। आणि स्थिती भावे सर आता मात्र ते हॅट्रिकवर आहेत, पाहूया हॅट्रिक पूर्ण करतायत का। दिनू क्या मेगा सेमीफाइनल में हैट्रिक लेने जा रहे, इस मरतबा पोलार्ड ने स्वीप करने की कोशिश की, सवाल पूछा एक रन बना, दूसरे के लिए जा रहे और आउट, तो कुल मिलाकर रन बने 58 रनों की चुनौती रखी है धनेश कुकसे के सामने। पहले 4 ओवर में बने थे कितने,
45 और बाद के दो ओवर में कमाल की गेंदबाजी दिनू और विवेक शेलार की, 46 बने थे और उसके बाद 12 गेंदों में कंट्रोल। अतिशय चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली त्यानंतर विवेक शेलार आणि दिनू भोईर। युतिका स्पोर्ट सोनाले संघाचा कर्णधार आहे, एसपी स्पोर्ट दापोडे संघाचा कर्णधार। आइए दोस्तों, हॉट सेमीफाइनल के टॉस के लिए हम जा रहे हैं। हाई वोल्टेज मुकाबला होने जा रहा है, भरत पाटिल फैम टीम युतिका स्पोर्ट और करण पाटिल फैम टीम एसपी दापोडे। योगेश भोईर जी, आपसे निवेदन है, आपको हमारे मंच पे जाना है। आइए, दूसरे सेमीफाइनल का टॉस होने जा रहा है, रोटरी प्रेसिडेंट कप 2019 का सुपर डीपर ऑलराउंडर सूरज केने और बाहुबली बैट्समैन सोमनाथ पाटिल मुझसे जुड़ चुके। दरम्यान आपण पाहतोय सामना जो होणार आहे आजच्या दिवसातील दुसरा सेमीफायनल आपण पाहणार आहोत। एका बाजूला युतिका स्पोर्ट सोनाले, दुसऱ्या बाजूला एसपी स्पोर्ट दापोडे। टॉस बॉक्स मध्ये सिद्दीक भावे सर आमचे मान्यवर जुळत आहेत आपल्याशी। या स्पर्धेचे फोकसमॅन जगदीश म्हात्रे साहेब आणि त्याचबरोबर हरिश्चंद्र भोईर साहेब। हरिश्चंद्र भोईर जी, संस्थापक रोटरी क्लब अध्यक्ष, जिन्होंने रोटरी क्लब की बुनियाद रखी, द फाउंडर, और मेरे ख्याल से ओबीसी मोर्चा के भी वो अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी थाना जिला। मोस्ट वेलकम शंकर भोईर जी हैं, सेक्रेटरी हैं रोटरी क्लब ग्रामीण के। दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहते हुए जगदीश म्हात्रे हैं, प्रेसिडेंट है। आइए सेकेंड लास्ट टाइम मैं सिक्का बताता हूँ। केसी करेश क्रिएशन, जिन्होंने खिलाड़ियों की पोशाक को भी चमकाया, जिसे स्पॉन्सर किया सुमित पाटिल जी ने, और करेश म्हात्रे भी चमके इस शो से। और एक तरफ रोटरी प्रेसिडेंट कप, जबकि रोटरी क्लब भिवंडी ग्रामीण के अध्यक्ष, फाउंडर और सेक्रेटरी तीनों मेरे साथ हैं। टॉस को जीता इस वक्त एसपी दापोडे ने। ये गिफ्ट एम्पर हम आपको देने जा रहे हैं, जिसे स्पॉन्सर किया है विशाल मनोहर म्हात्रे और श्री मनोहर शंभू म्हात्रे ने। आइए तीनों के हाथ से गिफ्ट एम्पर देना है, क्योंकि ये सेकेंड लास्ट मुकाबला है। अनेक अनेक धन्यवाद हरिश्चंद्र जी भोईर, शंकर भोईर एंड जगदीश म्हात्रे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन योर टीम क्वालिफाई फॉर दिस सेमीफाइनल। ये बताइए कि सेमीफाइनल में एसपी दापोडे को खेलते हुए कैसा आप महसूस कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ थैंक्स फॉर यू कॉम्प्लीमेंट मी। और सेमीफाइनल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है, और सामने टीम भी अच्छी है, युतिका स्पोर्ट अच्छी खेल रही है इस साल, और सूरज केनी है, सूरज जोशी है, और अच्छे अच्छे प्लेयर्स है, और ग्राउंड में उतरेंगे तो प्लानिंग के साथ उतरेंगे सर। ये बताइए, लेकिन टॉस जीत के गेम प्लान क्या है, बल्लेबाजी करेंगे या गेंदबाजी? फील्डिंग करेंगे हम लोग सर। फील्डिंग करने का जो निर्णय है, उसके पीछे कारण क्या है? सर थोड़ा सीक्रेट, जब भी ग्राउंड में उतरेंगे तब आपको पता चलेगा सर। लेकिन 6 ओवर में किस गेंदबाज से आप अपेक्षा रखते हैं कि मैंडेटरी पावर प्ले दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छी गेंदबाजी करे और सूरज केने एंड कंपनी को रिस्ट्रिकेट करे? सूरज किने एंड कंपनी को रोकने के लिए हमारे पास अच्छे अच्छे गेंदबाज आतिश भामरे है, और करण भी आज वापसी कर रहा है, स्पेशली हिमांशु है, और जैसे रहेगी सिचुएशन उस हिसाब से हम यूज करके गए। ये बताइए सोमनाथ, आप लेट आए, देर आए, दुरुस्त आए, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, फील्डिंग अच्छी की, बैटिंग अच्छी की। सिटी क्रिकेट का आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है,
और भादोड़ के इस क्रिकेट ग्राउंड पे आप कितने साल खेले और उसका अनुभव आपके पास कैसा है, अब मेमोरीज यादें कैसी? सर मैं तो 2003 से खेल रहा हूँ और सिटी में मैं 2011 से खेल रहा हूँ और यहाँ पे आरके पे जब भी हम लोग खेलते थे तो मैं भी खुद बॉलिंग किया हूँ, यहाँ का विकेट का तो अच्छा अनुभव है। और रहा सवाल कि ये ग्राउंड का कहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बैटिंग लाइन प्लस है यहाँ पे। करेश मात्रे के शो को पिछले 5 दिन से आपने कैसा एंजॉय किया? सबसे अच्छा आर्गुमेंट किया मेरा दोस्त है, काफी अच्छा दोस्त है करेश, और कुछ नया देखने को मिला यहाँ पे आरके पे। तो हम ये उम्मीद करेंगे एसपी पहली मर्तबा मेगा फिनाले में पहुंच रही इस सीजन में। बिल्कुल सर, ऑल द बेस्ट। सूरज केने सुपर डीपर ऑलराउंडर, लेकिन ये सुपर डीपर शो में आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है और यहाँ पर हम सेमीफाइनल में पहुंचे तो और भी अच्छा लग रहा है। देखिए एज योर माइंड व्यू, टॉस इम्पोर्टेंट था और अगर इम्पोर्टेंट था आप जीतते तो क्या करते? फील्डिंग करते। लेकिन आपको बल्लेबाजी दी गई, ये बताइए कि कल के प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस हैं? नहीं, वही है, सेम टीम है। लेकिन एक क्या माइंड में लक्ष्य लेके उतरे हैं ज्यादा से ज्यादा जो आप रखना चाहेंगे एसपी दापोटे के सामने? 60 से ऊपर जाना चाहेंगे। ये बताइए कल आपने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, बाकी बैट्समैन सूरज जोशी अच्छे टच में, दर्शन किस नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे जबकि दर्शन अच्छे टच में? दर्शन तो गेम प्लान के हिसाब से भेजना चाहेंगे और बाकी सभी खिलाड़ियों से कहना चाहूंगा कि वो अपना 100% दे और ये मैच जीतने का सोचे। देखिए मैंडेटरी पावर प्ले दोनों टीमों के लिए इम्पोर्टेंट है, वहाँ जो चल गए रन चल जाते, क्या अपेक्षा रखते हैं कि मैंडेटरी पावर प्ले में कितने रन बनाना चाहेंगे दो ओवर में जहाँ से अच्छी शुरुआत दे अपने टीम को आप? मैंडेटरी पावर प्ले तो हम ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाना चाहेंगे ताकि आगे 4 ओवर में हमको प्रेशर ना आए। आपके फैन फॉलोअर्स बहुत हैं, क्या आज कप्तान अपना 100% देने जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द ग्राउंड इज एसपी वन द टॉस, दे डिसाइडेड टू द बोल फर्स्ट, इज बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। अनेक अनेक धन्यवाद वॉइस ऑफ ठाणे भावे सर। रोटरी क्लब ऑफ भिवंडी ग्रामीण यांच्या माध्यमातून आपण टेनिस क्रिकेटचा हा महासंग्राम पाहतोय। पूर्ण क्रेडिट आणि या स्पर्धेचे शिल्पकार करेश क्रिएशन एक क्रीडा ग्रुप बादवड न्यू प्रगती क्रीडा मंडळ बादवड यांच्या माध्यमातून पाहतोय आपण रोटरी प्रेसिडेंट कप 2019 हा अंतिम दिवस आपण पाहतोय। पहिला उपांत्य फेरीचा सामना धनेश इलेवन कोक्षे विपक्ष पाहतोय आपण मराठा पंजाब। देखिए सुनील पवार, दो टीमें जिन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है इस रोटरी प्रेसिडेंट कप में, एसपी दापोडे और जयदुर्गा स्पोर्ट, ये टीमें ऐसी थी जिन्होंने बहुत मेहनत करके आगे बढ़े थे। अगदी बरोबर, पूर्णपणे सहमत आहे। आपण जिक्र केला जयदुर्गा या संघाचं काय चांगलं खेळ दाखवलं आपल्या होमग्राउंडवर आणि संपूर्ण सांघिक कामगिरीच्या बळावर या संघाने एका चांगली दमदार कामगिरी केली होती। पण आता मात्र या सामन्यामध्ये आपण पाहतोय की पहिला उपांत्य फेरीचा सामना आहे आणि भावे सर निश्चित जेव्हा प्रत्यक्ष मराठा पंजाब संघ फलंदाजी करत होता पहिल्या 4 षटकापर्यंत असं वाटत होतं की हा लक्ष्य जवळपास 75 किंवा 80 जवळ जाईल काय, पण नंबर एक संघ जो आहे धनेश इलेवन संघाने दाखवून दिलं परत की आमच्या क्षमता आम्ही कधी पण रोखू शकतो आणि त्यांनी दाखवलं। आता मात्र सामना जिंकण्यासाठी त्याच्यासमोर जे आव्हान असेल पाहतोय आपण 59 धावांचं। देखिए ये बात तो बिफोर टाइम रहेंगी, हम कुछ कह सकते हैं रिजल्ट के बारे में उचित नहीं रहता है पहले कहना, लेकिन एक बात है कि आखिर के जो 2 ओवर थे उसमें धनेश के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की, सिर्फ 12 रन दिए। विवेक शेलार ने अपने सेकेंड लास्ट ओवर में 5 रन दिए और दीनू ने बता दिया कि वो मैन ऑफ क्राइसिस है, मर्दे बौरान है, संकट मोचन है। ये खेल है, अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इतना है कि धनेश के सामने एक लम्हे ऐसा लगा था कि 70 के करीब का लक्ष्य है, वो अंडर 60 है। जब अंडर 60 रहता है तो थोड़ा सा मानसिक दबाव कम हो जाता है। अगदी बरोबर सांगितलं, आपण पूर्णपणे सहमत आहे मी। तर सलामी जोडी पाहतोय आपण धनेश इलेवन कोक्षा संघाची, कुमार आणि शेखर एक अतिशय नामवंत जोड़ी। आतिश पाटिल ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, 30 रन बनाए। और देखिए बड़ा मैच है तो कुमार और शेखर रिकॉग्नाइज पेयर। तर पहिले षटका टाकण्यासाठी गोलंदाज रकीब दुरान त्या टोकाकडनं सज्ज होतोय। अतिशय चांगलं वातावरण पाहतो आपण मैदानावर, सूर्याची तेज किरण आणि एक चांगला सामना आपण पाहतोय। रोटरी प्रेसिडेंट कप 2019 पहिला उपांत्य फेरीचा सामना आपण पाहतोय। दमदार दोन्ही मजबूत संघ आहे। तर पहिला चेंडू
पहला चेंडो स्विंग केला जाइल का बाहर डीप मिडविकेट की ओर तुन गगन बेदी हा षटकार। बड़े मैच के खिलाड़ी कुमार तुमार शुरुआत कर दी उन्होंने। प्रभुदेवा टेक्सटाइल गायत्री इंटरप्राइजेस प्रोप्राइटर प्रभुदास मदन नाईक देवेंद्र मदन नाईक यांच्या मानाचा रोटरी दणदणीत षटकार। दणदणीत आणि दमदार हा षटकार वसूल करतोय। पहिल्या चेंडूचा सामना करताना भावी सर बघितला पण कुमार ज्या प्रकारे सुरुवात करतोय इतका जेव्हा पत्रशे दिए इस वक्त ज्या प्रकारे पहिल्या चेंडूचा खरपूस समाचार घेतला षटकाराने आपल्या डावाची सुरुवात करतोय आणि संघाचं खातं उघडतोय। देखिए पहिली गेंद पे सिक्सर आता है तो जो मनोबल रहता है वो बढ़ जाता है टीम का भी और बैट्समैन का भी। रकीब सज्ज होताना यावेळेस पाहता लोअर फुल टॉस चेंडू होता सम्मान देऊन फक्त पुश केला शॉर्ट थर्ड मॅन रिजन कडे आणि तोपर्यंत इथं मात्र संधी होती एक धाव सहज पूर्ण करण्याची। देखिए मराठा पंजाब को अगर फाइनल की तरफ देखना है तो लगातार रेगुलर इंटरवल में विकेट लेना होंगे और दबाव बढ़ाना होगा क्योंकि धनेश के पास 9 बैट्समैन है और कोई किसी भी नंबर पे बल्लेबाजी कर सकता है। अगदी बरोबर सांगितलं आपण म्हणून तर पाहतोय आपण सध्याच्या या वर्षीच्या हंगामामध्ये नंबर 1 संघ जो आहे धनेश इलेवनकोकच्या संघाची पण इथे मात्र एक पाहतोय चांगली दमदार सुरुवात कुमार यांच्याकडून पहिल्या चेंडूचा सामना करण्यासाठी आता मात्र फलंदाज सेकर सज्ज होतोय। बड़ी बात है अख्तर ने बहुत अच्छा ओपिनियन दिया था कि किसी एक खिलाड़ी को आउट करना नहीं मैच को उड़ाना है। रकीब यावेळेस पाहता चांगला चेंडू परफेक्ट यॉर्कर त्रिपुराची बाद पहिला हादरा बसतोय धनेश इलेवनकोकच्या संघाला। बड़ी विकेट बड़ी मछली जाल में फंसती भी आइए देखते हैं किस तरह से क्लीन बोल्ड कर दिया था वहां पर परफेक्ट स्विंगिंग यॉर्कर रकीब का जहीर खान भिवंडी के। ये देखिए बहुत खूबसूरत बॉलिंग एक्शन क्रीज के कोने से किया ओ हो परफेक्ट यॉर्कर। इसीलिए तो क्रिकेट में दो ही चीजों का सम्मान होता है पहला सचिन तेंदुलकर और दूसरा परफेक्ट यॉर्कर। तर पहिला विकेट प्राप्त करतोय रकीब आपल्या संघासाठी आणि स्वतःसाठी सेकंड मात्र खाता उघडता आला नाही 7 या धावसंख्येवर पहिला फलंदाज बाद होतोय धनेश इलेवन कोकच्या संघाचं आणि ज्या विकेटची आवश्यकता जर इथून अजून जर एकंदर विकेट प्राप्त केल्या गेलं मात्र मराठा पंजाब संघ दबाव टाकू शकतोय। देखिए नए बैट्समैन आतिश गोडविंदे को भेजा है रणनीति ये कि जयेश पाटिल को बचा के रखा है बहुत अच्छे टच में इस सीजन में और 2 मरतबा के बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट है। भावेश पवार 1 मरतबा मैन ऑफ द सीरीज है 3 मरतबा बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट है। बैटिंग लाइनअप काफी लंबी है। रकीब शेवटपर्यंत चांगला चेंडूचा सम्मान देऊन फक्त मिड ऑफला पुश केलेला आहे एक चांगला फटका म्हणता येईल आत्मविश्वास वाढवणारा आणि या एका धावीने आपल्या डावाची सुरुवात करतोय अतिशय गोडविंदे। संघात धावसंख्या पाहतोय आपण आता मात्र 1 बाद 8 59 धावाचं लक्ष स्वीकारताना धनेश इलेवन कोकच्या संघ 1 बाद 8 अशी धावसंख्या आहे। ज्या प्रकारे पहिल्या चेंडूवर षटकार त्यानंतर मात्र वापशी केली होती गोलंदाज रकीब यांनी थोडंसं परिवर्तन करून घेताना पाहतोय क्षेत्रक्षण मध्ये कुमार साठी यावेळेस पाहता चांगला चेंडू त्या घेतल्याकडलं फाईन लेग रिजनकडे चेंडू शॉर्ट मध्ये फिल केल्या गेलं तोपर्यंत एका धावीची संधी असेल इथं फलंदाज कुमार यांच्याजवळ। अच्छा शॉर्ट तो हम नहीं कहेंगे बल्ले के अंदर गेंद लगी थी बढ़िया फील्डिंग शॉर्ट फाइन लेग पर। एक बात है कि धनेश की जो बल्लेबाजी की ताकत है अगर मैच को ले उड़ना है तो विकेटें लेना होंगी क्योंकि आपने देखा कि लगातार सभी बैट्समैन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रत्येक क्लास शॉट पाहतो अपन फक्त ऑफ ड्राइव शॉट एक साकवर मिड ऑफ मध्ये जोपर्यंत चेंडूला अडवले जाते तोपर्यंत अंतिम चेंडूवर मात्र अतिशय गोडविंदे स्ट्राइकर स्वतःकडे ठेवतोय। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर जर आकलन केलं भावे सर आपण एक मित म्हणे की चांगली सुरुवात विकेट जरी एक प्राप्त झाला असेल पण जी सरासरी आहे त्या सरासरी जवळ पोहोचलेले धनेश इलेवन। बिलकुल बात ये की मॅन्डेटरी पॉवर प्ले था और उसमें वो तेजी नहीं दिखी हालांकि पहली गेंद पे सिक्सर आने के बाद रकीब ने बहुत अच्छी वापसी की
कुल मिलाकर 10 रन एक विकेट। आने वाले बल्लेबाजों में जयेश पाटिल, महेंद्र मागे, भावेश पवार, हेमंत हरड, बहुत लंबा बैटिंग लाइनअप है। विकी मात्रे सारखा एक महान डावखुरा फलंदाज अजून खेळू कक्षा मध्ये आहे और अच्छे फॉर्म में भी चल रहे विकी मात्रे। लेकिन देखना यह है कि गेंदबाजी का अगर पूरा यूनिट किसी के पास है तो मराठा पंजाब के पास है। सामना चांगला होईल कारण की एकीकडे पाहतो आपण एक गोलंदाजीची मजबूत असलेला संघ तर दुसरीकडे आपण पाहतो फलंदाजी अतिशय महान आहे दिनेश ओलंकोकच्या संघाची। गेंदबाजी में अब बुलाया गया अबू साद को। देखिए अंपायर भी किसी तरह का कोई भी जोखिम नहीं लेना चाह रहे, जो लाइन है उसको बना ही जा रहा है। जाऊ अपन जगन्नाथ नाईक यांच्याकडे। या स्पर्धेसाठी आलेल्या सर्व सन्मान्य पाहुण्यांचं व्यासपीठावर आपलं हार्दिक स्वागत आहे। सुस्वागतम सुस्वागतम। आपण पाहू शकता टीव्ही स्क्रीनवर सर्व सन्मान्य पाहुण्यांचे कटआउट्स। आज या स्पर्धेचा शेवटचा दिवस आहे आणि अतिशय आपण टीव्ही स्क्रीनवर पाहू शकता सन्मान्य या भिवंडी लोकसभेचे सन्मान्य खासदार कार्यसम्राट खासदार कपिलजी पाटील साहेब आणि भिवंडीचे दानशूर राजा सन्माननीय मदन भाऊ नाईक साहेब, स्थायी समिती सभापती भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका, दानशूर राजा आणि किंग मेकर भिवंडी लोकसभा क्षेत्राचे कार्यसम्राट आमदार आणि आगरी समाजाचे संपूर्ण भारतातील एकमेव खासदार जे भारताच्या संसदेमध्ये आपल्या क्षेत्राचा प्रतिनिधित्व करतात सन्माननीय कपिलजी पाटील साहेब। व्यासपीठावर विराजमान सर्व सन्माननीय पाहुण्यांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत आहे। सुस्वागतम सुस्वागतम। कालवार से सदानंद मात्रे 40 प्लस के महान ऑलराउंडर ने जयेश पाटिल भावेश पवार को ऑल द बेस्ट कहा है। 40 प्लस के जिस तरह भावेश पवार सिटी क्रिकेट के सबसे अच्छे ऑलराउंडर है उस तरह 40 प्लस के सबसे अच्छा ऑलराउंडर बहुत ही मजबूत काटी के सदानंद मात्री जी आपका हार्दिक स्वागत। तर जाऊया आपण सामन्याकडे। जो आपण पाहतोय हा पहिला उपांत्य फेरीचा पहिला सामना दिनेश इलेवन कोक्षी विपक्ष आपण पाहतोय। बहुत खूबसूरत ग्रुप फोटो करेश मात्रे अपने दोस्तों के साथ, देवेंद्र नाईक भी वहां पर है। ये देखिए करेश मात्रे ट्रॉफी उठाते हुए, सोना देवी टिमगर के कुछ फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं। मेरे ख्याल से पिंपल नेहर का जो फाइनल जीता था सोना देवी टिमगर ने, सरपंच शक रोटरी क्लब ऑफ भिवंडी ग्रामीण का हमेशा उद्देश्य रहा है। कल जैसा पढ़ के बताया था ये हर क्षेत्र में फलाव बहबूत कीड़ा कला सांस्कृतिक और मेडिकल असिस्ट में ये क्लब काफ़ी आगे निकल चुका है। उनके फाउंडर भी हमारे साथ हैं हरिश्चंद्र भोईर जी, प्रेसिडेंट भी हैं और उनके सेक्रेटरी भी हमारे साथ हैं। तर गोलंदाज अबू साद व्यक्तिगत स्वतःचं पहिलं आणि संघाचं दुसरं षटक टाकण्यासाठी आर के पाटील स्टँड या टोकाकडनं पहिला चेंडू, पहिला चेंडू पंच केले शॉर्ट कव्हरवर एक अतिशय प्रतिम घेईल आणि फलंदाज फेल होतोय। देखिए आज कप्तान आतिश पाटील के जो इरादे वो काफी तीखे लग रहे। आइए देखते हैं क्या बढ़िया कैच पकड़ा था वहां पर। ये देखिए अबू साद ने गेंद को थोड़ा पीछे रखा था, बैकफुट पे गए थे, पंच किया था, बहुत खूबसूरत कैच का वश में। ओम साई ऑटोमोबाइल प्रोप्राइटर संदीप रघुनाथ पाटील यांच्या मानाचा रोटरीला वंदन करणारा विकेट। या ठिकाणी आगमन होते सन्माननीय विजयजी गुळवी उद्योगपती भावाळे, रोहिदासजी पाटील सरपंच कुकसेगाव, तसेच मान्य श्री हरिश्चंद्र वेळेकर इताडे समाजसेवक, आपला हार्दिक स्वागत है सुस्वागतम। आज धनेश की रणनीति कुछ अलग ही लग रही, जो शतरंज की चाल है उसको बदल दिया है। विकी मात्रे को भेजा है, अभी भी जयेश पाटिल बल्लेबाजी को नहीं आए।
हे पाहू शकता आपण आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर. भिवंडी क्रिकेट ग्रामीणचे अध्यक्ष आणि मराठा पंजाब संघाचे सर्वेसर्व आज यस नाही उसका एक कारण हे भी आहे की एमजे ट्रॉफी में जयेश पाटील ने बहुत ही शॉर्ट पॉकेट डायनामाइट इनिंग खेली थी और वो जब आउट हुए थे तो उन्हें लगा ही नहीं था कि 12 गेंदों में 13 रन नहीं बनेंगे. पण इथं मात्र पाहतोय आपण अबू साद ज्या प्रकारे सुरुवात करून देतोय एक चांगली सुरुवात आपण या षटकामध्ये जे विकेटची आवश्यकता तो विकेट प्राप्त करतोय. पहिल्या चेंडूवर अबू साद समोर ज्यावेळेस पात्र विकी यावेळेस मात्र सफल क्रॉसून खेळण्याचा प्रयत्न चांगला क्षेत्ररक्षण पाहतोय आपण बॅकवर्ड कोडले क्रिजन कडे आणि तोपर्यंत इथं मात्र संधी होती फक्त एका धावेची. अच्छा शॉट तो हमने ही कहेंगे बल्ले के अंदर लगी थी गेंद. अच्छी शुरुआत अबू साद की. जीतू कोहली का जो एक्सपीरियंस है वो मराठा पंजाब को सारंग गांव के खासदार चषक से काफ़ी काम आ रहा है. ये देखिए बल्ले के अंदर लगी थी. अच्छी फील्डिंग वहां पर गेंद घूम गई थी. एक चांगलं क्षेत्ररक्षण बघितलं आपण नंदन पाटील यांच्याकडून. संघात धावसंख्या आता मात्र पुढे सरकते ती पाहतोय आपण धावपलकावर 11. या षटकामध्ये एक पूर्णपणे वापसी करताना मराठा पंजाब हा संघ आज भिवंडीचा वर्ल्ड कप चॅम्पियन ट्रॉफी भिवंडी ग्रामीण क्रिकेटचा आज शेवटचा दिवस पाहतोय आपण. यस ग्रामीण का बीसीए का आज आखरी दिन है और यहाँ रोटरी प्रेसिडेंट कप का. कल से अंजुमन ट्रॉफी की शुरुआत सिटी क्रिकेट में हो जाएंगी परशुराम टावरे स्टेडियम पर. उसके बाद धनेश टीम खेल रही है. पांडुरंग धर्मा पाटिल का बिग शो 21-22-23-24-25-26 डे एंड नाइट आप देखने जा रहे हैं. खार्डी का वन मैन शो. विकी मात्रे की देन. अबू स्पोर्ट्स की देन. सौराज चषक. उसके बाद संतोष सुतार की देन. एसके ट्रॉफी सापे. और उसके बाद बेस्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट बाली ट्रॉफी 4-16 फरवरी. यावेळेस पात्र एक चांगला चेंडू होता. टॅलेंटचा आवाज येतोय. कौतुक करताना सर्व खेळाडू ज्या प्रकारे या षटकामध्ये एका प्रभावशाली पण टप्पा पडल्यानंतर बाहेर जाणारा चेंडू होता. वाईटचा इशारा येतोय. अतिरिक्त धावसंख्येमध्ये भर पडते. और आज 13 तारीख है. 15 तारीख तक जिन टीमों ने फॉर्म सबमिट नहीं किए बाली ट्रॉफी के आपको सबमिट करना है. लिमिटेड टीमें कहीं देर ना हो जाए. अबू साद सज्ज होताना यावेळेस पात्रापर्यंत चुकीची लाईन असेल कारण की खूपच बाहेर पंचाची दुनिया समांतर रेषेत. अजून एक अतिरिक्त धावसंख्या मिळते दिनेश लंकुकच्या संघाला. संघ धावसंख्या 13. एक एक रन जहां किमती हो आप दो व्हाइट देते तो मानो बल्लेबाजी का उत्साह बढ़ा देते. अगदी बरोबर सांगितलं आपण. ज्या प्रकारे अवांतर धावसंख्येमध्ये भर पडते इथं या स्पर्धा प्ले केलेल्या चेंडूला मनगटी फटका. तोपर्यंत निश्चित संधी असेल इथं मात्र पाहतोय आपण. दोन धावा पूर्ण करतोय फलंदाज. या दोन धावांनी संघात धावसंख्या पुढे सरकते ती 15. देखिए क्रिकेट दिमाग में भी खेला जाता है. कुमार को पता था दो व्हाइट गेंदे किए. आप अबू साद स्टंप में ही गेंद करेंगे. कुमार सज्ज होतोय खेळण्यासाठी. एक चांगला स्टाइलिस्ट फलंदाज डावखुरा. याच पताडा वाटण्या फटकाय. प्लेसमेंट ठीक नाहीये मिडिल क्रिकेट क्षेत्राकडे. प्रतीक चेंडूवर जोपर्यंत येतोय तोपर्यंत फक्त कुमार एक धाव पूर्ण करतोय. या सिंगलनी धावसंख्येत बदल. धावसंख्या पुढे सरकताना ती 16. अभी भी कट टू कट मॅच आप देख रहे हैं. बराबरी पे मॅच चलता हुआ. मॅच अभी भी खुला हुआ नहीं है. बंद लिफाफे की तरह आगे बढ़ रहा है. अगदी बरोबर सांगितलं आपण का. आतापर्यंत जो खेळ पाहतोय आपण सांगता येत नाही की कुठल्या संघाची बाजू भक्कम असेल कारण की पाहतोय आपण 59 धावाचं लक्ष स्वीकारताना 2 बाद धावपलकावर धावत त्या 16 रन हो चुके. 16 दो व्हाइट गेंदे 30 ओव्हर में. देखना है हमारे स्कोरर 1, 2, 3, 4 दो व्हाइट गेंदे 1 रन 2 रन और 1 रन कुल मिलाकर 6 रन आए हैं और पहले ओवर की समाप्ति पे 10 रन थे. इट्स ओके. अतिशय चांगली भिवंडी तालुका की बात ये निराली है. यहाँ सब कुछ न्यूट्रल रहता है. निलेश दिवेकर यांच्या माध्यमातून पाहतोय आपण की हा 6वा दिवस आहे. एकच चांगले गुणलेखक युवा. धावसंख्या पाहतोय 16. अबू साद शेवळेस पात्र पाहायचं की ऍक्च्युअली काय घडलंय इथं. काय इशारा येणार नॉन स्टॉप रिजन कडे. बाईचा इशारा आणि हा बोनसचा चौकार मिळणार. सुमित लॉजिस्टिक
प्रोप्रायटर सुमित पुरुषोत्तम पाटील यांच्या मानाचा रोटरी दणदणीत चौकार। जीतू गवली ने मैच को शुरू कर दिया यहां से, जिस तरह से चार रन दिए एवढं सोपं नसते भावी सर, बघितलं आपण वेगवान चेंडू होता, कारण की सफल क्रॉस झाला होता। नाही समज ही नाही पाए की अबुसाद साइड आर्म गेंद कर रहे, क्योंकि अबुसाद ने साइड आर्म गेंद की थी, टिप्पा खाने के बाद बाहर निकली थी और जीतू गवली ये समझे थे कि गेंद अंदर आएंगी। धाव संख्या तो भरपड़ती, धाव संख्या आता मात्र पुढे सरकताना पाहतोय 20। अबुसाद एक चांगली गोलंदाजी करताना मात्र अतिरिक्त धावसंख्या मात्र षटकामध्ये जास्त खर्च केल्या गेल्या। पुढचा चेंडू या आसपास सोडून दिला चेंडूला, एक एक काय घडलंय पाहायचंय, अजून बोनस धावा किती मिळतील हे पाहायचंय। बढ़िया फील्डिंग साकिब की अपने टीम के लिए, रन बचाए लेकिन यहाँ व्हाइट। कल जो अबुसाद गेंदबाजी कर रहे थे, आज वो गेंदबाजी में धार नजर नहीं आ रही है। हालांकि बहुत ही मान गेंदबाज हैं, उनसे कुछ बातें की अब बाबा ने जाकर। भावी सर जर बघितलं आपण सुरुवात छान केली होती, कारण की पहिल्या चेंडूवर विकेट प्राप्त केला होता, त्यानंतर मात्र सुवेर गोलंदाजी आपण पाहतोय या बोनस धावा म्हणजे एक मजबूत स्थितीकडे जाताना पाहतोय। आता मात्र धनेश इलेव्हन कुकच्या संघ, अबुसाद सज्ज होताना चाळीस पात्र छोट्या वेगचा पुश केला, शॉर्ट कव्हरेजकडे धोकादायक ठरू शकतोय पण निशाणा लागत नाहीये आणि तोपर्यंत एक सहज धाव पूर्ण करतोय। तर षटकाची समाप्ती, दुसऱ्या दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर 59 धावांचं लक्ष स्वीकारताना एक आता मी म्हणेन भावे सर की एका चांगल्या स्थितीमध्ये आहे, विकेट जरी दोन गेले असतील पण धावपळकर धावत तब्बल पाहतोय आपण 23। बिल्कुल अगर स्थिति को हम आकलन करें तो मजबूत स्थिति में आप देख सकते हैं सेक्रेटरी रोटरी क्लब ऑफ भिवंडी ग्रामीण के शंकर भुईर जी, अध्यक्ष जगदीश मात्रे जी, योगेश भुईर और फाउंडर हरिश्चंद्र भुईर। अपन जाऊया तोपर्यंत जगन्नाथ नाईक यांच्याकडे। या व्यासपीठावर उपस्थित या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी आलेले सन्माननीय विजय जी गुळवी उद्योगपती भावाळे यांचा स्वागत आणि सन्मान करण्याची विनंती मी करतोय। हेमंत गुळवी या ठिकाणी उपस्थित आहेत, विजयजी गुळवी मी स्वागत आणि सन्मान करण्याची विनंती करतोय। हेमंतजी गुळवी साहेब मुसाबाई यांच्या शुभ हस्ते स्वागत आणि क्रिएशन आणि आई एकवीरा ग्रुप तर्फे आलेल्या सर्व खेळाडूंचे आणि पाहुण्यांचे मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। उपस्थित सन्माननीय रोहिदासजी पाटील सरपंच कुकसे यांचं स्वागत आणि सन्मान करण्याची विनंती मी नाना मात्रे योगेश यांना करतोय, आपल्या शुभ हस्ते करायचंय। रोटरी क्लब करेश क्रिएशन आणि आई एकवीरा ग्रुप तर्फे आलेल्या सर्व खेळाडूंचे विराजमान हरिश्चंद्र वेळेकर समाजसेवक इताडे यांचा स्वागत आणि सन्मान करण्याची विनंती योगेश मात्रे नाना यांना करतो, आपल्या शुभ यांचा स्वागत आणि सन्मान करून। हॅलो हरिश्चंद्र वेळेकर यांचा स्वागत आणि सन्मान होतोय व्यासपीठावर। आताच या व्यासपीठावर आलेल्या सन्माननीय मनोहर जोशी भोईर सर श्रीकांत भोईर यांचं देखील हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम सुस्वागतम। तर दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर पुढच्या दोन षटकामध्ये काय गोलंदीमध्ये परिवर्तन होईल की नाही, मात्र समालोचन कक्षामध्ये परिवर्तन होतोय। तर गोलंदाजी करण्यासाठी गोलंदाज आपण पाहतोय दूर एंड त्या टोकाकडनं, हा षटक काही निर्णय का ठरेल भावी सर ज्या प्रकारे या षटकामध्ये। सुनील पवार आपको तीन ओव्हर कॉमेंट्री करना है, आपका भी बराबर का हक है, कोई भी बड़ा या छोटा कमेंटेटर नहीं होता है, अगर कोई बड़ा होता है तो वो अपने अखला कैरेक्टर से। सलमान येतोय दुरंत्या टोका करणे या षटकामध्ये गोलंदाजी करण्यासाठी, समोर डावखुरा फलंदाज कुमार। यावेळेस पात्र प्रश्न विचारला गेला पण सहमत नाहीये, एकेकली चेंडू कुठं ब्रश झालंय पाहायचंय आणि तीच तो इशारा करताना पंच लेगबाई तो इशारा येतोय। अच्छी शुरुआत की वहां पे सलमान ने, आइए देखते हैं अंपायर को नकारा, अपील को नकारा था अंपायर शकील कोटी ने, सलमान पोलार्ड क्रीज के कोने से किया था। यस बढ़िया डिसीजन,
इम्पैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर था अगदी बरोबर बघितलं आपण कारण की चेंडू खूपच ऑफ स्टंपच्या बाहेर होता धाव संख्या तर बदल धाव संख्या 24 सलमान पोलवाड सज्ज होताना यावेळेस मात्र परत सफल क्रॉस होऊन खेळण्याचा प्रयत्न आता मात्र एक चांगला चेंडूची हाताळणी करतोय देखिए कप्तानी बहुत अच्छी हो रही है सलमान पोलार्ड बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए काफी घातक गेंदबाज हैं और यही कारण है कि दोनों बाएं हाथ के बैट्समैन है पोलार्ड को लगाया गया है आणि एक रीजन पाहतोय आपण आउटस्विंग मारा करतोय टप्प्यापर्यंत तर बाहेर निघणारे चेंडू होते गती परिवर्तन पण तेवढंच चेना सफटका आहे बॅकवर्ड स्कोडले क्रिजनकडे अतिशय येतोय चेंडूवर तोपर्यंत एक धाव पूर्ण करतोय फलंदाज लेकिन एक बात तो जरूर कहूंगा जयेश पाटील का आना बाकी है भावेश पवार का आना बाकी है ये मुकाबला भी आखिरी ओवर में जाएगा ऐसा लग रहा है धाव संख्या पद आपण 25 एक चांगला षटक इथे मात्र टाकताना सलमान हा गोलंदाज कुमार आणि विकी ही जोडी खेळपट्टीवर आहे पुढचा चेंडू याच पात्र एक चांगला फटका आहे टर्न केला चेंडूला फ्लिक केला होता आणि दुरून थ्रो येईपर्यंत मात्र दोन धावा सहज पूर्ण करतोय फलंदाज कुमार थोडासा वाईट थ्रो आया था डीप से मेरे ख्याल से प्रतीक भिडते वहां पर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट एक रन बहुत तेज पूरा किया और दूसरा रन उससे भी तेज दबाव टाकला होता पहिली धाव वेगात पूर्ण करून बघितलं आपण चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं होता थोडंसं व्हाईट ऑफ थ्रो बघितलं आपण या दोन धावणी संघात धाव संख्या 27 कुमार एका चांगली फटकेबाजी करताना आपण पाहतोय सलामवीर फलंदाज खेळपट्टीवर आहे यावेळेस पाहता फार जास्त सफल क्रॉस होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता परत प्रश्न विचारला गेलं लेग बाईच्या इशाऱ्यात पंचाकडून बढ़िया गेंदबाजी करे सलमान पोलार्ड अभी तक आजादी बल्लेबाजों को दे नहीं पा रहे 19 गेंदों में अब जीतने के लिए 31 रन चाहिए नेक टू नेट फाइट चलती हुई कट टू कट मुकाबला आप देख रहे हैं रोटरी प्रेसिडेंट कप 2019 में अति बरोबर सलमान हा या सामन्यात रंगत निर्माण करताना षटकामध्ये ज्या प्रकारे गोलंदाजी करतोय आपल्या संघासाठी पण यावेळेस पात्र जाईल का बाहेर सुएर चेंडू होता खरपूस समाचार घेतला स्कोडलेच्या वरतून षटकार देखिए सुनील पवार प्रभुदेव टेक्सटाईल गायत्री इंटरप्राइजेस प्रोप्रायटर प्रभुदास मदन नाईक देवेंद्र मदन नाईक यांच्या मानाचा रोटरी दणदणीत षटकार आपने पांच अच्छी गेंदे की एक छोटी गेंद कर बैठे और इसे कहते कि ओवर का मजा किरकिरा अगदी बरोबर सांगितलं आपण पहिले जर बघितले आपण धावसंख्या आता मात्र पुढे सरकताना तब्बल 34 आता मात्र सामना जिंकण्यासाठी 18 चेंडूंनी 25 धावांची आवश्यकता आहे काय घडणार कोण अंतिम फेरीत प्रवेश करेल हे आपण पाहणार आहोत पण त्यापूर्वी ऐकूया आपण एक मधुर आवाज ठाणे जिल्ह्याचा भावे सरांना थँक्यू सो मच सुनील पवार एंड ऑफ द थर्ड ओव्हर आय थिंक धनेश कुकसे इन कमांडिंग पोझिशन 34 for the loss of 2 wickets. Large batting to follow. JP, Jayesh Patil, Bhavesh Pawar, Mahendra Mage, Hemant Thadat. There's a worried captain Atish Patil brought key bowler Saqib brought into the attack. Facing him, Kumar. Kumar today play a very passionate inning. Look at that beautiful match summary from Prince Movies. Atish Patil made 30 and 20 made by Nandan Patil. Wonderful telecast comes to you from King of Telecast, Prince Movies. Is going to be Saqib. Facing him batsman Kumar. Left arm round wicket. Boston Kumar put away in the air over mid wicket for 6. Prabhudeva Textile, Gayatri Enterprises, Proprietor Prabhudas Madan Naik, Devendra Madan Naik, Yancha Manaza, Rotary Dandanit Shatkar. Wasn't a bad delivery. Around the office stump swung away over head of the mid wicket fence for 6. अतिशय चांगला फटका बघितला आपण ज्या प्रकारे स्विंग केला होता चेंडूला कुमार यांनी षटकार वसूल करतोय नाव धनेश कुकसे मार्चिंग टू अस टू द फायनल
This time down to leg side, turning with the corner for four. Elegant shot. Sumit Logistics, proprietor Sumit Purushottam Patil, Yancha Manasa Rotary. Yes, look at Gandanit. Minimum effort and maximum result. Turning with the corner, very finely played. Nandan, poor fielding and ball is racing all the way to the boundary for four. अगदी बरोबर सांगितलं, पण मेहनत कमी आणि त्याचा रिझल्ट पण चांगला बघितलं, कारण की चार धावा सहज मिळते इथं. नाव धनेश कुकसे इन कमांडिंग पोझिशन नाव, 44 फॉर द लॉस ऑफ टू विकेट्स. साकिब इन ट्रुमेंडस अंडर प्रेशर, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, बोस्ट कुमार स्विफ्ट एस बॉल, वन्स मोर बॉल इज ट्रॅव्हलिंग फॉर फोर रन्स. सुमित लॉजिस्टिक प्रोप्रायटर सुमित पुरुषोत्तम पाटील यांच्या मानाचा रोटरी दणदणीत. दिस इज अ धनेश क्रिकेट अँड दिस इज अ कुमार क्रिकेट. 48 साकिब, भोस्टो कुमार ट्राय टू यॉक विथ दी शॉर्ट बॅक लिफ, ट्रेमन टू डीप मिट ऑन, देर इज अ फिल्डर थ्रम्बलिंग. Finally, batsman gets to. Danish Kazi is there. And I think there is a clear frustration for fielding side. तमता पदवी की दबाव साबर्श तक्षण सुधा पहला में तो ये करेंगे सवट्टी की या शनादुन सामना सुरु निले सरका वट्टे की अप्रकार शितक्षण त्यंता बॉडी नंबर पर बात हुई. This is the 10th event and slowly but surely 9 time Danish marching slog sweep 6 runs. What a batting from Kumar. कुमार प्रभुदेव टेक्सटाइल गायत्री इंटरप्राइजेस प्रोप्रायटर प्रभुदास मदन नाईक देवेंद्र मदन नाईक यांच्या मानाने रोटरी दणदणीत. क्या कहेंगे बड़े मैच के खिलाड़ी कुमार. अगदी बरोबर आहे. क्या शॉट खेलाय, जाजीबुल नजर शॉट, मानो माइक हसी का स्ट्रोक होय. थोडीशी आठवण झाली आमचे भावे सर सांगताना की मायकल हसी यांची ज्या प्रकारे शॉट खेळला गेलं. धाव संख्या आता पुढे सरकताना पाहतोय आपण तब्बल इस मरतबा टर्न कर दिया है. गेंद जा रही है डीप फाइन लेग पर. एक रन एक ही ओवर में मैच को समाप्त कर दिया है कुमार ने. दो रन चाहिए दो ओवर में. यह षटका मध्ये बघितलं आपण की ज्या प्रकारे फलंदाजी केली कुमार यांनी. जयेश पाटिल अपने ग्रामीण का मुकाबला खेलने अपने गांव से जा रहे हैं और जीत की मोहर वहां पे लगा दी है. दसवें इवेंट में नौवीं मर्तबा मेगा फिनाले में पहुंच रही है धनेश कुक से. कीर्तिमान स्थापित के लिए धनेश एलेवन कुक या संघ. यस, अब तक 6 कप जीते हैं जबकि 7 कप का रिकॉर्ड धनेश के नाम है, महेंद्रा के नाम है, स्वयंभो पायगांव के नाम है, बी इंडियन के नाम है. जीतू की गेंद स्विच हिट करने की कोशिश, बीट किया. दो रन चाहिए 11 गेंदों पर. चेसिंग कंपलसरी है. पड़ोसी बढ़ गए बैट्समैन के, शेजारी वाल्यात. बोल और पावरफुल 6 रन इस मैच को जीत लिया है धनेश कुकसे ने. नौवीं मर्तबा मेगा फिनाले में पहुंचती हुई. कॉन्ग्रेचुलेशन पांडुरंग धर्मा पाटिल, कैप्टन भावेश पवार एंड ऑल टीम. मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है कुमार, तू मार और कुमार ने मारे 43 रन. अगदी काय एकच चांगला डाव साकार आपल्या संघासाठी. नबाद 43 धावाची एक मॅरेथॉन आणि विस्फोटक खेळी साकारली तो सामनावीर ठरतोय धनेश एलेवना संघाचा एक अतिशय महान डावकुरा सलीदार फलंदाज सलामीर कुमार. हार्ड लक मराठा पंजाब, हार्ड लक योगेश भोईर. कुमार इज द मैन ऑफ द मैच, 43 रनों की बड़े मैच के खिलाड़ी. आपण जाऊया तोपर्यंत आमचे स्पेशल सूत्रसंचालक जगन्नाथ नाईक सराकडे. ओ टू द जगन्नाथ नाईक सर. धन्यवाद सुनील पवार. व्यासपीठावर यायचंय सामनावीराचा पुरस्कार घेण्यासाठी. कुमार, आम्हाला सामनावीराच्या पुरस्कारासाठी जे सन्मानचिन्ह देण्यात आलेले आहे ते सन्माननीय जेके मात्रेसाहेब गुंदवली उद्योगपती यांच्या मार्फत कॅप आणि टी शर्ट रोटरी क्लब च्या वतीनं प्रमोद म्हात्रे यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेलं आहे.
मिठाईचा बॉक्स सन्माननीय दिनेशजी चौधरी यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेला आहे. दोन गिफ्ट एम्पर आहेत ते सन्माननीय विश्वनाथ कृष्ण नाईक साहेब विभाग प्रमुख शिवसेना यांच्या माध्यमातून व जयेंद्र मारुती म्हात्रे यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेले आहेत. मी व्यासपीठावर आमंत्रित करतोय कुमार याला सामनावीराचा पुरस्कार घेण्यासाठी. मी प्रथम सन्मानचिन्ह देण्याची विनंती रोटरी क्लब भिवंडी ग्रामीणचे सन्मान्य संस्थापक अध्यक्ष हरिश्चंद्र भोईर साहेब यांना विनंती करतोय. आपण सन्मानचिन्ह द्यायचंय. मी विनंती करतोय गिफ्ट एम्पर द्यायचंय. अरुणजी भोईर अध्यक्ष शिक्षक सेना मनपा भिवंडी जे स्पॉन्सर केले विश्वनाथ नाईक यांच्या माध्यमातून. मी लोकेश ठाकरे यांना विनंती करतोय टी शर्ट द्यायचंय जे आले प्रमोद म्हात्रे यांच्या माध्यमातून. मी प्रकाश दादा पाटील यांना विनंती करतोय मिठाई बॉक्स द्यायचंय जे स्पॉन्सर केलंय दिनेश चौधरी यांच्या माध्यमातून. मी रोहिदासजी पाटील सरपंच कुक्षे यांना विनंती करतोय गिफ्ट एम्पर द्यायचंय जे जयेंद्र मारुती म्हात्रे यांच्या माध्यमातून आलेलं आहे. मी रोहिदास पाटील यांना विनंती करतो द्यायचे आणि जे सनग्लास आहे ते हरिश्चंद्र वेलेकर यांना विनंती करतो द्यायचे. अतिशय सुंदर अशी खेळी आणि अंतिम सामन्यामध्ये प्रवेश केलेला आहे धनेश कुक्षे या संघाने. पुन्हा एकदा या ठिकाणी उपस्थित असणाऱ्या सर्व खेळाडूंचे क्रीडा रसिकांचे हार्दिक स्वागत आहे. सुस्वागतम ओ टू संदेश पाटील. धन्यवाद जगन्नाथ नाईक जी. हमारे ऑफिशियल अनाउंसर ये कुमार मैन ऑफ द मैच. 43 रनों की बहुत बढ़िया बारी खेली और संदेश पाटिल उनका ओपिनियन ले रहे. वेलकम कुमार. अतिशय सुंदर अशी फटकेबाजी केली कुमार यांनी आणि भावेश पवार यांचा नेहमी त्याला आदेश होता की कुमार तू मार. एक चांगल्या प्रकारची फटकेबाजी कुमार का खेळताना आणि काय अनुभव घेतला या क्रीडांगणाचा? अनुभव तर घ्यायलाच लागतो कारण की MRI चा बॉल आहे आणि मी माझा नेहमी नॅचरल गेम खेळत असतो त्याच्यामुळे मी माझा परफॉर्मन्स 100% देण्याचा प्रयत्न करतो. मराठा पंजाब एक चांगला संघ होता समोर. खूप प्रयत्न केला सामना जिंकायचा आणि जिंकून दाखवला आणि नऊ जी ट्रॉफी आतापर्यंत झाली ती 10वी ट्रॉफी आहे. खूप मोठं लक्ष आहे आणि फायनलमध्ये प्रवेश केले. कुमार तुला कोणत्या प्रकारे हा स्पर्धे वाटली? काय नाही, आमचे सर्व प्लेयर्स चांगले खेळतात बस आणि असं चांगलं खेळत राहू. कुमार मैं एक सवाल करूंगा कि अभी तक आपने जो रोटरी प्रेसिडेंट कप खेला उसको कैसा एंजॉय किया और इस जीत को आप किसके नाम देंगे? एंजॉय तो बहुत किया और इधर खेलने का मजा भी कुछ और आता है और करेश ने एकदम अच्छी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की है उसके लिए मैं उसको थैंक्स बोलना चाहता हूँ. इस जीत को आप किसके नाम देंगे आज की जीत को? पूरी टीम के नाम. निश्चित होता हा होता कुमार अतिशय चांगली फलंदाजी करून मॅन ऑफ द मॅचचा शिल्पकार ठरलेला आहे. ओ टू कॉमेंट्री बॉक्स सिद्दीक बाबी सर. धन्यवाद दोस्तों. तैयार हो जाइए दूसरे सेमीफाइनल के लिए जहां पे टॉस को जीता है करण पाटिल फैम टीम एसपी दापोटे ने और पहले